दोस्तों टाटा 5530 घोड़ा है और ये इसकी ट्रॉली है और ये 90 टन में चलती है गाड़ी। और आज क्या वाकया किया है, मतलब ये ड्राइवर साहब कह लो या इनके मुनीम ने कह लो, तो सब कुछ आगे बताता हूँ। मतलब ये काम करवाने आए हैं 90 टन के हिसाब से, कमानियाँ भी एक्सल भी सब कुछ होना, आगे बताता हूँ आपको। ये 90 टन के हिसाब से करनी है कमानी, ओवरलोड चलते हैं। तो ये जो दो ड्राइवर हैं दोस्तों इस गाड़ी पे, ये तो बिल्कुल मतलब काम कराने के इच्छा के अनुसार ही आए थे। मतलब कमानी में भी दम दिलवाना था, डंडे में पत्ती लगानी थी, काफ़ी काम था। और दोस्तों ये ड्राइवर साहब मुझे बता रहे हैं दोस्तों, इन्होंने 5530 2023 मॉडल है और फ्रेम टूट भी गया, 90 टन भरते हैं तो जाहिर सी बात है। और ये फ्रेम कंपनी से बदलवा कर लाए हैं, ये देखिए कंपनी की मोहर भी लगी हुई है, चिट भी लगी हुई है। और 10 दिन के अंदर अंदर इन्होंने मतलब फ्रेम चेंज करवाया है कंपनी से और बिल्कुल नया फ्रेम लगाया। चलो वो तो एक अलग बात है, इनका काम हो गया बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 90 टन में दोस्तों ये वाली कमानी तो खैर चलेंगे नहीं, इसमें पट्टा बढ़वाएंगे, निकाल लो। हैं तो दोस्तों इसका हम घोड़ा निकलवा रहे हैं क्योंकि ट्रॉलियाँ काम करना है। लेकिन बात क्या हुई आगे, अभी आपको सब कुछ पता लगेगा। मतलब इनका मुनीम आया और सारा काम डिसमिस हो गया, अभी आपको आगे बताता हूँ। अब दोस्तों हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये तो दो ड्राइवर साहब काम करवाने के हिसाब से आए, मतलब टायर भी खुलवाए और कमानियाँ हमने हब वगैरह भी सब कुछ खोल दिया था। इनके बाद इनके मुनीम साहब आए और वो कहने लगे कि मतलब हमको गाड़ी एक दिन में चाहिए। बताओ इतना सारा काम, दोस्तों आप खुद बताइए, आप भी अपना राय जरूर रखें, एक दिन में कैसे हो जाएगा सारा काम। ये फ्रेम 5530 है क्या? टाटा 5530 है, टाटा फ्रेम होया मतलब नवी गड्डी है तो फ्रेम टूट गया, वो हम कंपनी में चेंज करा के ले आए। हाँ देखो नवा चेंज, ओ फिर कंपनी गारंटी सी। दोस्तों ऐसे ऐसे ड्राइवर या मुनीम बहुत कम देखने को मिलते हैं दुनिया में। अब पता लगता है अभी चेंज हुआ है, चिट वगैरह लगी है टाटा दी। हाँ हाँ नहीं, ये दोनों लड़े चेंज हुई होंगी ना। चलो कोई नहीं, हाँ देखो ना चिट लगी है टाटा दी। चलो अच्छी बात है, अगर ये चेंज हो गया तो अच्छी बात है। हाँ टाटा 5530 है, हाँ 23 मॉडल दसो, नवी नवी गड्डियाँ हैं, फ्रेम टूट रहे हैं। तो दोस्तों ये ट्रॉली है मतलब ओवरलोड चलती है और कमानियाँ हैं ऐसी हैं जैसे मतलब 30 से 20 25 टन 30 टन में, और ये देना ही है हमने 90 टन के हिसाब से इसमें। और ये जो एक्सल है इसका भी काम होगा, एक्सल में पत्ती लगी है, इधर पत्ती नहीं है क्योंकि दोस्तों इसमें पत्ती लगानी बहुत ज़रूरी है, ओवरलोड में चलती है गाड़ी। दोस्तों सारा काम कहाँ से ख़राब हुआ, इनका जो मुनीम आया वो कहने लगा जी एक दिन में गाड़ी दे दो, बस वो तो एक कह लो कि बहाना था या जो भी था, क्योंकि दूसरे मिस्त्री के पास लेकर जानी थी गाड़ी इनको। दोस्तों हम ना किसी से कमीशन लेते हैं और ना ही किसी को देते हैं, जो काम करना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपने हाथ में मतलब लेकर करना है पूरे काम को। और भाई यही काम हुआ, जो गाड़ी इनके लेकर गए वो ले गए गाड़ी में, अगर ले जाओ। दोस्तों मेरा तो शक ये है कि वो ड्राइवर साहब ने जो मुनीम थे इनके, वो मतलब ये बहाना लगा ले गए एक दिन में सारा काम कर दो, भाई ये तो करेंगे नहीं एक दिन में, तो दूसरे मिस्त्री से उन्होंने बात करी होगी और वो उन्होंने कम पैसे बताए होंगे, इधर मेरे पैसे बता दिए होंगे अपने मालिक को, तो वो कम ज़्यादा करके अपनी जेब में पैसे डालने वाली। देखो मैं कहता नहीं लेकिन मेरा मानना है, आगे आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय जरूर बताना। A few moments later. दोस्तों 5530 ये घोड़ा है, इसमें जो मैं आपको बताया था अभी ओवरलोड के हिसाब से काम करना, अब मैंने सब कुछ बताया और ड्राइवर साहब का कहना है कि हमें एक दिन में गाड़ी दे दो। बताओ 11 इस टाइम बज चुके हैं, एक दिन में सारी कमानियां चारों में दम देना है, एक्सल खोलने हैं दोनों, और एक्सल में एक में पत्ती भी लगानी है। तो दोस्तों ये देखिए इसमें पत्ती नहीं है, इसमें पत्ती लगी हुई है क्योंकि ओवरलोड के हिसाब से, और ड्राइवर साहब का कहना है कि शाम को कर दो काम पूरा कंप्लीट। अब देखो टाइम तो देना पड़ेगा, इतना काम है तो ठीक है जैसी इनकी इच्छा, तो इसे कर रहे हैं फिटिंग। बताओ ऐसे ऐसे भी हैं, बताओ ये तो ये वाली बात होगी कि 1000 किलोमीटर लेकर जानी है तो एक घंटे में गाड़ी 1000 किलोमीटर पर लगा दो। आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय जरूर बताएं।